हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, एफवी फार्मूला के बारे में, जिसका मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। या एफवी फार्मूला होता क्या है, या फ्यूचर फार्मूला होता क्या है, और कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, वह आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैंने हेडिंग दिया है इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद हमने दिया है पीएमटी, उसके बाद हमने दिया इंटरेस्ट रेट, नेट पीरियड, फ्यूचर वैल्यू। ध्यान देना, इंश्योरेंस कंपनीज, पीएमटी, इंटरेस्ट रेट, नेट पीरियड, फ्यूचर वैल्यू, मतलब होता क्या है इसको समझिएगा। आप लोग देखते हो या मैक्सिमम लोग इस्तेमाल भी करते हैं कि पैसा हम लोग जमा करते हैं LIC में, नाम सुने हो ना। तो कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं जहां पे लोग पैसा जमा करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वही पैसा, ध्यान देना, कुछ टाइम के बाद वही पैसा क्या होता है, कुछ ब्याज के साथ निकल के आता है, ज्यादा अमाउंट। अब कैसे, ध्यान देना, जैसे सपोज मान लो हमें LIC में हर महीने 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और सपोज वह हमने जो बीमा कराया है वो 20 साल के लिए करा है या 10 साल के लिए करा है, तो जो हम हर महीने 1,000 जमा कर रहे हैं, ठीक है, या 6 महीने पे एक बार 6,000 जमा कर दे रहे हैं, पर मंथ 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद और 20 साल के बाद जो मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, अगर यह चेक करना हो तो उसके लिए ब्याज के साथ कितना निकलेगा, उसके लिए फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल करें, ठीक है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग LIC में एक अकाउंट खुलवाएं और पैसा जमा भी करें, ठीक है। तो जमा क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है, ब्याज नहीं, ठीक है, इसलिए जमा करते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में वो पैसा थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास आएगा निकल के। 10 साल में जो हम लोग 1,000 जमा किए हैं, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में आएगा, प्लस ब्याज के साथ आएगा, और बीमा कराने से और भी फायदे हमारे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कंपनियां ऐसा जमा करवाती हैं, कुछ ब्याज देती हैं, और एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पे वो आपका पैसा निकल के चला गया। तो वो पैसा जो कैलकुलेट होता है, जो निकाला जाता है, वो किससे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है एफवी फार्मूले से, इससे एफवी फार्मूले से। और एफवी फार्मूले का जो रूल है, ध्यान देना, एफवी जो फार्मूला है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब भी फ्यूचर का कोई वैल्यू निकालना हो कि 2 साल के बाद कितना पैसा निकल के आएगा, 5 साल के बाद कितना पैसा निकल के आएगा, तो उसके लिए एफवी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। इसीलिए मैं 5-6 कंपनियों का नाम लिख दिया है, ठीक है, और कितना कितना पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं वो लिख दिया है, उस कंपनी के द्वारा ब्याज क्या मिल रहा है वो हमने मेंशन कर दिया है, कितने साल के लिए वो मेंशन कर दिया है, और टोटल कितना निकल के आएगा वो मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे चार्ट बना लेने हैं, और बनाने के बाद से रिजल्ट रिजल्ट निकाल लें। चलो, कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है, आसानी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग इसको पहले से पढ़े हो, थोड़ा सा चेंजिंग करना इसमें। इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और इक्वल करने बाद से क्या करेंगे, एफवी लगाएंगे, जिसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। अब पहले पूछेगा रेट, तो रेट में क्या लेंगे पता है आपको, इंटरेस्ट, पढ़े हो ना आप लोग, डिवाइड बाई 12 कामा कर देंगे, उसके बाद से एनपीआर, टोटल कितने मंथ के लिए, नेट पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कामा पीएमटी, क्या पूछ रहा है, पीएमटी मतलब, पीएमटी मतलब पेमेंट कितना दे रहे हो, 5,000 दे रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कामा
पीवी लोन अमाउंट पूछा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो लोन अमाउंट कुछ है क्या इसमें? नहीं है, इसीलिए जीरो रख देंगे कामा, और वैल्यू मैच कराने के लिए, वैल्यू मैच कराने के लिए जीरो, मतलब यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं कराना, यहाँ पे महीने के स्टार्ट से देखना है या एंड से, स्टार्ट से। तो वन कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक है, और बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अच्छा हो जाएगा, क्यों निकाला समा रहा है? कोई पूछे ये अब भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो बताना ये अब भी फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके सारे फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैंने रूल आपको बताया और समझाया है, इसको बस नोट कर लें आप लोग। नोट कर ले।